अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने तीन साइड गिवन है ट्रायंगल की, जो हमने यूज़र से लेनी है और उसका एरिया प्रिंट करना है। उसका क्या प्रिंट करना है? एरिया। ठीक है, तो अब एरिया का जो उसका फार्मूला होता है वो होता है एस स्क्वेयर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, जिसमें एस जो है वो तीनों साइड को प्लस करके टू पे डिवाइड करना होता है। क्या करना है? टू पे डिवाइड। उसके बाद हमने इंक्लूड लाइब्रेरी करनी है उसकी, ताकि वो आगे स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर सके। फिर वाइड मेन फंक्शन के अंदर बाकी चीज़ें देखनी। अब हमें सबसे पहले देखना है कितने वेरिएबल चाहिए। तो टोटल पांच वेरिएबल चाहिए। तीन तो साइड है, तीन तो साइड है, एक एस और पांचवी चीज़ एरिया है। पांचवी चीज़ क्या दी हुई इसकी? एरिया। तो सबके नाम हमने क्या रख दिए? फ्लोट। तो अब सबसे पहले वाले में हम क्या प्रिंट जो है वो इनपुट लेंगे? फर्स्ट साइड, तो उसको कहाँ स्टोर कर देंगे? ए के अंदर। दूसरी में क्या लेंगे? दूसरी साइड वैल्यू, और वो कहाँ स्टोर कर देंगे? बी के अंदर। इसी तरह तीसरी साइड जो है वो कहाँ स्टोर कर देंगे? सी के अंदर। एंड का मतलब है कि ये यहाँ यहाँ स्टोर होंगे, और अगर एंड का सिंबल प्रेस नहीं करेंगे तो वो वैल्यूज स्टोर नहीं होंगी। ये जहन में रखना है आप लोगों। अब हमने एस कैलकुलेट करना है, तो तीनों साइड को प्लस करके टू पे डिवाइड करना है। यहाँ पे कुछ लोग ब्रैकेट्स नहीं, ब्रैकेट अगर नहीं लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। फिर सिर्फ वो सी को डिवाइड करेगा और बाकी दोनों को प्लस कर देगा, और आंसर टोटली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये नोटिस में रखना है ब्रैकेट लगा के, ये नहीं तो लॉजिकल एरर आ जाएगा। मतलब जो आंसर के बाद पता चलता था वो लॉजिकल एरर होता है। अब हमने कैलकुलेट करना है उनका एरिया। तो एरिया क्या आएगा? स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट बिल्ट इन फंक्शन है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ऊपर हमने जो फंक्शन हेडर फाइल यूज़ की थी उसमें होता है ऑलरेडी। तो एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो अब उसके बाद उसका क्या प्रिंट करवा देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वो किस में आएगा? परसेंटेज एफ में। और वो स्टोर किस में हुआ हुआ था? एरिया में। तो अब हम जो है वो इसको रन करते हैं। क्या करते हैं? रन। जब रन करेंगे तो सबसे पहली साइड हम देखते हैं क्या एंटर करनी है हमने। डेट वो मैं कर देता हूँ 12, अगली कर देता हूँ 13, अगली कर देता हूँ 15। तो अब ये देखें आंसर क्या आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल 74 पॉइंट जो भी है, 6 पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स आ रहे हैं। तो होप कि आप लोगों को इसकी लॉजिक जो है वो क्लियर होगी होगी। थैंक यू एंड अल्लाह।